हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ टॉफी कैसे बनाते हैं, जिसका फुल प्रोसेस मैं डिटेल में दिखा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, शुरू से मैं दिखा रही हूँ कि सबसे पहले चाशनी तैयार किया जाता है, फिर उसे टॉफी कैसे बनाया जाता है, फिर उसे पैकिंग कैसे किया जाता है। तो आज से पूरा एक सीरीज आएगा जिसमें आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से दिखाया जाएगा कि कैसे स्टार्टिंग से बनाया जाता है, आखिर में उसमें क्या क्या मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा पानी था जो कि गर्म हो रहा था, और उसमें नापा हुआ चीनी डाला गया है। जो कनस्टर में चीनी था वो पहले से ही नाप करके रखा हुआ था। गाइस, ऐसे ही हर एक बार किया जाता है। और थोड़ा सा पानी और भी ऊपर से डाल दिया गया, और ये है हैड्रो। हैड्रो क्या करता है कि इसमें जो भी कलर होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश पर है, तो इसमें वाइटनेस लाने के लिए ये डालते हैं। और हाँ गाइस, इसे मिठाई में भी डालते हैं कि ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कलर आए और उसमें ब्राउन कलर ना रहे, वाइट कलर में आ जाए। तो और जो चाशनी है आप लोग देख सकते हैं, उस चाशनी को अभी पत्थर पर फैलाया गया है और इसे चेक किया जा रहा है कि ये ठंडा हो गया है कि नहीं। अगर ये ठंडा हो जाता है तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा टॉफी बनाने के लिए। तो देखिए, अभी चेक किया गया है तो अभी ये ठंडा नहीं हुआ, थोड़ा और ठंडा करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये चीनी गल करके एकदम सीरा बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि चीनी को एक कनस्टर में बराबर नापा जा रहा है, थोड़ा भी कम बेशी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं पैकिंग करते वक्त का, कि कैसे पैकिंग हो रहा है। पहले क्या होता था कि जब भट्टी बनता था तो उसके साइड साइड जो ईटरे रखे हुए होते थे उससे जोड़ा जाता था। अब देखिए, इस मशीन से जोड़ा जा रहा है, यानी कि पहले से काफ़ी ज़्यादा और आसान होता जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर पैकिंग हो रहा है। पैकिंग के बाद भी इसे सरिया सरिया करके रखा जाएगा एक के ऊपर एक, और बाद में इसे कार्टून में भर करके डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। तो एक एक करके इसे जोड़ा जा रहा है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और आगे की प्रोसेस जानने के लिए कि और भी ज़्यादा कैसे इसमें जो डिजाइनिंग बना हुआ है वो डिजाइनिंग कैसे बनेगा, वो सभी जानने के लिए इस चैनल पे बने रहें, ताकि ऐसा यूनिक वीडियो आप लोगों के सामने आता रहे। तो देख सकते हैं, ऐसे ही यूनिक वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।